अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल सारी फैमिली को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आज की वीडियो है, आज मैं ना आई हूँ शहर फैसलाबाद में, इधर अपनी सिस्टर के घर। तो इधर से मैंने सारिम के कपड़े, ईद की शॉपिंग करनी थी, कपड़े लेने जाना था। तो सुबह सुबह इधर आ गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आ गए हैं। अब हम इधर ना ये पानी पीने लगे हैं, ये वाला ग्लास मेरा। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो अब हम ये ना पानी पीते हैं। ये हम इधर शॉपिंग करने आए हैं, तो आप भी देखें कपड़े कितने प्यारे हैं। हम भी देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ इधर से मिलती है, तो देखें कितनी प्यारी चीज़ें हैं। और ये हैं लॉन के सूट, देखिए कितने प्यारे कलर हैं इसके, डिज़ाइन भी बहुत प्यारे हैं। तो मैं जब भी कपड़े लेने आती हूँ इसी शॉप से लेने आती हूँ। इधर राइस मिलते हैं, कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो अब मुझे ये दो सूट पसंद आए हैं। तो ये देखें, ये जेंट्स सूट हैं, बहुत ही प्यारे कलर हैं इसके। तो ज़्यादातर जब भी कपड़े लेने होते हैं ना ईद वगैरह के, तो इधर से आके लेते हैं। तो रेट भी बहुत अच्छे हैं इनके। तो बाकी सूट जो खोले थे वो तो मैंने नहीं दिखाए, अपने सूट जो हैं वो मैं दिखा दूँगी घर जाके। तो ये भाई हैं जिनके पास आके हम शॉपिंग करते हैं। तो शुरू से इधर से ही करते हैं शॉपिंग, तो काफ़ी वाकफियत है ना, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। शुरू हो जाए तो जल्दी जल्दी से खाना खा लेते हैं इससे पहले कि बारिश आए, तो मज़े से खाना खाते हैं। बच्चे पास बैठे खेल रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं।
इधर आए हुए हैं शहर कपड़े लेने हैं, तो इधर फंस गए हैं बारिश में। सारा एंजॉय कर रहा है, बारिश में नहा रहा है। और इधर हमारी कश्तियां बंद रही हैं। अब ना मैं अपनी दूसरी बहनों के घर आई हूँ, वो घर छोड़ के इधर आई हूँ, तो बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, तो इधर आके मुझे जूस मिला है, तो मजा ही दुबला हो गया है। अब बहुत मजा आ रहा है, उधर देखे बारिश, इधर जूस। ठंडा ठंडा जूस बहुत मजा आ रहा है। कपड़े लेके हम वापस घर आ गए हैं, तो काफ़ी एंजॉय किया सारा दिन, बारिश भी होती रही और शॉपिंग भी करते रहे, बहनों से भी मिल लिया जाके और कपड़े भी खरीद लिए। अभी कुछ रह गए हैं, जो मिल गए वो लेके आ गए हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ईद के लिए मैंने कौन से कपड़े लिए हैं। सारिम के और रबीत के, सारिम के भाई के सिर्फ पैंट मिली है, शर्ट नहीं मिली, वो अभी लेंगे। हाँ, तो जो मिल गए हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सारिम के मिल गए हैं, ये है सारिम की पैंट और ये इसके साथ शर्ट। ये अपनी पसंद का डिज़ाइन लेके आया है, कहता मुझे यही पसंद है तो ये ले ली। आपको कैसी लगी है? ईद पे पहन के दिखाना ना कैसी लगी। और सारिम के 3 सूट लिए हैं मैंने, क्योंकि सारिम कपड़े जल्दी ख़राब करता है। एक इसकी ये शर्ट है, और इसके साथ ये पैंट। ये कैसा लगा आपको? ये 2 सूट हो गए। और एक ये पैंट है ब्लैक कलर की। और ये देखिए गाइस, ये न्यू पैंट है और इसका क्या हाल हो गया। और इसके साथ ये शर्ट। मम्मा जी, ये देखिए, आपने कहा था ना कि ये कपड़े बहुत जल्द खराब करते हैं, ये देखिए न्यू पैंट के यहाँ से क्या हो गया। तो खराब करते हो, संभालते नहीं हो। तो ये 3 सूट हो गए पूरे इसके। और ये है सारिम से बड़ा रबीत, उसकी पैंट। तो इसकी पैंटें ही मिली हैं दोनों। तो अभी उस दुकान पे शर्टें ख़त्म हुई थी, तो वो कह रहे थे एक दिन बाद मिल जाएगी। तो फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि आप खुद ही उधर से लेके रख लेना, तो फिर दोबारा आके ले जाएंगे।
तो ये है इसकी दो पैंटें। मुझे भी इस तरह की बहुत पसंद है लेकिन साइज इस तरह की मिलती नहीं है। कपड़े महंगे ही बहुत ज़्यादा देते हैं तो अभी इन दोनों के पास लिए हैं, बाकी सबके हैं उसी से टाइम निकालेंगे। तो अपने मैंने सूट लिए थे वो उधर ही सिलाई के लिए दे दिए हैं तो वो बाद में मिलेंगे। और ये माशाल्लाह से ये कुरान पाक का कवर है, ये भी उधर से लिया है। ये देखिए कितना प्यारा है। तो ये छोटी सी शॉपिंग की है मैंने, बाकी पहले कपड़े ला के इनके रख दिए थे तो ये अभी दोनों रहते थे इनके ले लिए हैं। तो कपड़े ला के फारिग हो गए हैं, उधर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तो ऐसे ही इंतज़ार कर करके फिर दो तीन दुकानों से ये कपड़े मिले थे तो शॉपिंग इस तरह की हमने। तो मैंने कहा चलो ऐसे बहाने से उधर भी फिर लिया अपने बहन भाइयों के पास भी, तो मज़ा आया, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। तो इसके बाद ये था कि आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ, आपको भी कपड़े दिखा दिए हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताना कि कैसे लगे आपको सारिम के कपड़े। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल सारिम फैमिली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप रह रहे हों अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी और अगली वीडियो के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।